ये बाइक लेने का तो उतना प्लान नहीं था। तो गाइस देखो इतना सही पैसा है, ये रहा बाइक। 2-1 तो गाइस यस, मेरा न्यू बाइक आ रहा है, मतलब मैं न्यू बाइक ले रहा हूँ। और कहाँ से ले रहा हूँ, क्या बाइक है क्या नहीं है, और वो आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे। तो अभी ये रहा मेरा स्कूटी, और रियाज भाई भी घर में है, रियाज भाई भी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मैं रेडी हो चुका हूँ। तो वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर है शोरूम, तो वहाँ पर जाएंगे, अपना ही भैया का शोरूम है। तो देखते हैं क्या है नहीं है। और इस बाइक के ऊपर बहुत सारा ट्रिप और बहुत सारा लॉन्ग राइड भी होने वाला है, तो आप लोग गेस करो। और आप लोग अगर पहले से जानना चाहते हो तो अभी स्क्रीन के ऊपर इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, तो वहाँ पर जाओ जल्दी से जाकर फॉलो करो, क्योंकि जो कुछ भी है वहाँ पर सबसे पहले अपडेट आएगा, तो आप लोग को जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ा रुकते हैं और रियाज भाई को आ जाने देते हैं, और अली भाई भी निकल चुका है, अली भाई भी आ रहा है, रास्ते में मुलाकात करेंगे। तो तीनों भाई एक संग जाएंगे और जाकर वहाँ पर जो कुछ भी है क्या है नहीं है, जो भी प्रोसेस आप लोग को सब कुछ संग शेयर करेंगे। तो वीडियो में पूरा एंजॉय करना, वीडियो में पूरा बने रहना है। तो चलिए अभी निकलते हैं और मिलते हैं आप लोग से स्कूटी के ऊपर, मोटर बलून सेटअप के ऊपर। तो गाइस ये रियाज भाई आ चुका है, विशाल भाई अभी बाइक खरीदने जा रहा है, न्यू पुमा का बैक और स्कूटी लेकर। 5,000 रुपए है। नहीं नहीं सब झूठ, सब झूठ। जल्दी चलो गाइस, जल्दी जल्दी चलो गाइस। तो गाइस यार अभी जा रहे हैं, और अली भाई हम लोग के लिए वहाँ पर वेट कर रहा है, हम लोग का डानकु जो सिग्नल है वहाँ पर। और अभी हम लोग जाएंगे संडे, जिस रास्ते से जाते हैं हम लोग एवरी संडे, उस रास्ते से हम लोग जाएंगे, क्योंकि पास में ही है, 4-5 किलोमीटर है। और भैया का यूज न्यू दोनों बाइक में डील होता है, तो मेरा बाइक न्यू है। तो चलिए आप लोग से मिलाते हैं और पहले अली भाई से मुलाकात कर लेते हैं, देखते हैं अली भाई क्या बोलता है। तो ये बाइक लेने का तो उतना प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने जो ये स्कूटी है मेरा पापा चलाते हैं ये, लेकिन ये था तो मेरा, लेकिन इतना कंफर्टेबल है कि पापा ले लिए थे। और मेरा जो एक बुलेट है, आप लोग देखे हो एक दो ब्लॉग में, तो बुलेट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है चलाने में, और बुलेट का लॉन्ग राइड तो बहुत सारा भाई भैया लोग करता है, लेकिन मुझे उतना कम्फर्टेबल नहीं लगता है। तो इसीलिए सोचे कि बुलेट को देकर अगर कोई अपडेट किया जाए, तो इसीलिए बुलेट देकर और ये बाइक में ले लिया हूँ। और जो कुछ भी हो जाए, बाइक तो बाइक ही है, छोटा बाइक बड़ा बाइक जो कुछ भी हो, तो इसको लेने में भी उतना ही खुशी है जितना कि टेनर लेने में उतना ही था। तो बाइक ही है और न्यू बाइक है, तो समझ सकते हो, तो एक अलग सा ही खुशियाली है। तो देखते हैं अभी, तो मैं दिनेश भाई, रियाज भाई और अली भाई जा रहे हैं, और जाकर देखते हैं क्या क्या होता है नहीं होता है। तो गाइस ये अली भाई आ गया अपना ड्यूक लेकर, और ड्यूक नहीं ले लेकर भी एक रीज़न है, आप लोग को बताते हैं। और अभी चलो, और ये देखो पूरा रास्ता चक्का जाम है, कोई स्ट्राइक होगा इसीलिए। तो गाइस मन किया कि सब कोई लॉन्ग राइड जाता है, मैं टेनर लेके कुछ दिन पहले ही सिक्किम राइड करके आया, आप लोगों को जैसे पता ही है, लेकिन टेनर लेके हर एक जगह पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन तब पर भी मैं जाऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं जाऊँगा। तो दो प्लान है, बहुत जल्द है, देखते हैं, लेकिन ये जो बाइक ले रहे हैं ना, तो ये बाइक लेके भी मैं जाऊँगा, तो देखते हैं कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है नहीं रहता है। और ये जो कलर है बाइक का, ये मेरा मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है, और मेरा भी बहुत फेवरेट कलर है। तो गाइस यार कुछ भी, तो यही कलर इसीलिए चॉइस किया, और आप लोग भी बताना आप लोग का ये कलर कैसा लगता है नहीं लगता है। तो एक तो टूरिंग बाइक ज़रूरत था, क्योंकि टूर वगैरह करने में और सिटी में घूमने में भी हर समय एक रिलैक्सेबल बाइक चाहिए, तो इसीलिए वो बाइक मैंने चूज़ किए। तो गाइस चलिए, रास्ता भी जैम है पूरा, देखते हैं कहाँ से निकलते हैं। चलो भाई 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 भाई, और ये रहा डानकुनी टोल। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये टोल से कहाँ जा रहा है, तो इसी हाई रोड के ऊपर से जाएंगे, जाकर कुछ देर बाद 3-4 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट उतर जाएंगे, तो वहाँ पर भैया को शोरूम है, तो इसीलिए हाई रोड से ही जा रहे हैं। और दो दिन बाद संडे आएगा, तो संडे का वीडियो फिर से आएगा गाइस। संडे मॉर्निंग का वीडियो उस टाइम मैं नहीं डाला था, क्योंकि साउंड का करप्शन आ गया था, लेकिन इस संडे में संडे नाइट के वीडियो आएगा, वो भी ट्रेनर के ऊपर। तो रेडी है ना, और आप लोग प्यार दिखाते रहो गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो, और सर इंस्टाग्राम में प्यार बरसाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा रील्स और फोटो वगैरह मैं दे रहा हूँ अभी कंटिन्यूस इंस्टाग्राम पर। जल्दी से जाओ, स्क्रीन के ऊपर भी नाम आ रहा है सुपर बाइक विशाल, जाकर वहाँ पर जल्दी जल्दी फॉलो करो। तो ये आ गया भाई लोग, और ये रहा ड्यूक, और ये रियाज भाई का, देखो रियाज भाई क्या देखे, ये देखो ये देखो ये क्या देखा है लड़का, ए भाई क्या देखा है। और रियाज भाई का सर में हेलमेट नहीं है, क्योंकि हेलमेट तो पापा लेकर चल गया, तो इसीलिए भैया के पास हेलमेट नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे से ही जा रहे हैं, स्लो स्लो जा रहे हैं, तो कोई उल्टा सीधा मत समझना।
से अभी लोकल जो लोकल रोड होता है उसमें अब लगा चुका है। और यहाँ का नज़ारा देखा कितना अच्छा है, क्योंकि विलेज टाइप का थोड़ा एरिया है और यहाँ पर ही शोरूम है, लेकिन भैया का शोरूम बहुत फेमस है। ठीक है, तो भैया से मिलाते हैं, लेकिन ये कोई प्रमोशन वीडियो है नहीं, अपना ही बंदा है, अपना का ग्रुप का ही बंदा है। तो आप लोग भी अगर बाइक वगैरह बाइक करना चाहते हो तो भैया के पास आ सकते हो। तो चलिए अभी जाते हैं। तो कहते हैं कुछ देर आने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं, और ये रहा हम लोगों का न्यू रोड। बताओ इसमें पर कौन सा बाइक है। देखो इतना सारा बाइक है यहाँ पर, और पूरा भरा हुआ है बाइक से, फुल लोड। और यहाँ पर है मेरा बाइक, तब तक अभी दिखाते नहीं। ओ देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद दिखाएंगे। तो गाइस देखो इतना सा ही पैसा है, इतने सा पैसा में और 2 लाख का बाइक, ये कैसे पॉसिबल है भाई? हाँ, और ये रहा ओनर हम लोगों का, नूर भैया, हम लोगों का बाइक कम्युनिटी है और हम लोग यूके का मेम्बर ही है। तो भैया का शोरूम यहाँ पर तो एक है, लेकिन हुगली डिस्ट्रिक्ट में कितना है? जिस बाइक मेन शोरूम में नहीं मिलेगा यहाँ पर आने से मिल जाएगा। तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, भैया का नाम और भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भैया भाई पेमेंट सब क्लियर हुआ? थोड़ा बाकी है, थोड़ा बाकी है, कुछ नेगोशिएबल होगा इसमें से, कुछ काट के लेंगे। अच्छा, फिर उसमें से पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे, ठीक है, देखा जो। तो गाइस यार शोरूम में आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा बाइक है। आप लोग गेस करो इसमें से कोई बाइक है कि नहीं। नहीं, इसमें से नहीं है। तो मेरा बाइक वहाँ पर वो जो रेड कपड़ा से ढका हुआ है वो है मेरा बाइक। और अली भाई, रियाज भाई, दिनेश भाई सब कोई आ चुका है। और ये जो बाइक है टूरिंग के लिए बहुत अच्छा बाइक है। तो देखते हैं, प्रोसेस तो जो था पेपर वर्क सब कंप्लीट हो गया, पैसा भी मिल गया है। तो देखते हैं आप कुछ दिन में, चलिए बिल करते हैं। और ये रहा सब भाई लोग आ चुका है, और ये तो रहा बाइक, तो चलिए इसको भी रिवील करते हैं। तो गाइस हम लोग अभी आ चुका है नूर ऑटोमोबाइल यहाँ पर, तो अभी सब लोग तैयार है गाड़ी डिलीवरी के लिए। ये देखिए विशाल भाई अपना बाइक डिलीवरी के लिए। तो गाइस बाइक अभी यहाँ पर है, और यहाँ से बाइक अभी उतरेगा सीधा यहाँ पर। अरे बाप रे भैया, इसे उतरेगा ना? तो ये जो रैंप है इससे बाइक उतरेगा, और ये रोड देख सकते हो। तो चलिए नीचे जाते हैं और जाकर दिखाते हैं। भैया थोड़ा ठीक से उतरना, बस बस एकदम। तो गाइस चलिए, ये रहा बाइक। तो भैया मैं थैंक यू सो मच इतना अच्छा डिस्काउंट प्राइस में इतना अच्छा बाइक देने के लिए। तो भाई आप लोग को अगर कोई बाइक लगेगा, नॉर्मल बाइक, स्कूटी, बुलेट, एवरीथिंग, मल्टी ब्रांड, तो भैया से कांटेक्ट जरूर कर लेना। भैया एकदम अपना ही भैया है, तो बेस्ट प्राइस एकदम लगा देंगे। और ये रहा बाइक अभी उतरेगा। ए अली भाई कहाँ देख रहे हो तुम? हाँ तो गाइस ये रहा बाइक, तो आप लोग देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है। और ये दिनेश भाई क्या बोल रहे भाई? हाँ तो चलिए अभी चलते हैं, चलाते हैं और इसके एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है नहीं है। फिलहाल तो अभी इसको तेल भरना पड़ेगा कुछ देर जाकर ही। दिनेश थोड़ा सामने में रुकना, तेल भरना है मुझको, ठीक है? 1680 अब ऊपर राइट होगा, सन्डे राइट। तो गाइस चलिए फाइनली न्यू बाइक इज हियर। ओ भाई साहब, तो गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को ये बाइक कैसा लगा, नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था ड्यूक का, फिंजा का, ADB जो होता है एडवेंचर उसका, लेकिन मुझे लगा कि मैं यही लूं, और ज़्यादा सीसी में लिया नहीं,
क्योंकि 400cc भी ये मिलता है इसका, लेकिन उसको थोड़ा माइलेज वगैरह का प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए मैं 250cc लिया, क्योंकि मुझे सिटी में भी कंटिन्यू इसको चलाना है अभी और राइड में भी करना है, तो 250cc ठीक है। लेकिन अगर लंबा राइड होगा तो टिनर तो है उसके लिए, आप लोग को पता ही है। तो गाइस यार थोड़ा पिकअप का लैकिंग मुझे इशू हो रहा है, क्योंकि ये 250cc है और मैं 1000cc बाइक चलाता हूँ, तो समझ सकते हो डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन तब पर भी बहुत अच्छा बाइक है, स्मूथ बाइक है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ही चला रहा हूँ और हाई रेट के ऊपर से जा रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या एक्सपीरियंस रहेगा इसके संग, कैसे क्या शेयर करते हैं नहीं करते, जो कुछ भी रहेगा आप लोग से बताएंगे। और इसको लेकर ट्रिप तो 100% होगा गाइस, तो आप लोग ज़रूर बताना कि इसके ऊपर ट्रिप आप लोग देखना पसंद करोगे कि नहीं। टेनर के ऊपर भी होगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी, इस बाइक के ऊपर भी रोड ट्रिप होगा, क्योंकि इसका पोस्चर मुझे कितना रिलैक्स लग रहा है कि कितना भी दूर हो जाए मैं चले जाऊँगा। और इसका मॉडिफिकेशन भी मैं कराऊँगा, क्योंकि ऐसे खाली खाली रखूँगा नहीं, मॉडिफिकेशन ज़रूर कराऊँगा बाइक का। मैं देखता हूँ कैसे क्या कितना मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो वो भी कर लूँगा एक बार। तो गाइस वीडियो एकदम शॉर्ट सिंपल से ही होगा, ज़्यादा कुछ तो वीडियो में होगा कि नहीं, क्योंकि आए थे बाइक लिए, बस आप लोग का संग जितना भी हो सका, आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग से मैं शेयर किया, तो आप लोग को भी जानना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ एवरीथिंग। तो आप लोग से मैं जितना भी हो सकता है सब कुछ शेयर करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा नहीं लगा, और इस बाइक के ऊपर आपसे वीडियो भी आएगा, सिर्फ टिनर्स में भी नहीं, इस बाइक के ऊपर भी वीडियो आएगा। तो गाइस यार थोड़ा बहुत हम रुके थे, चाय वगैरह थोड़ा पी लिए और अभी जा रहे हैं यार। लेकिन जो भी बोलो, ये जो कलर है मेरा फेवरेट कलर है, और इतना सही लगना है कलर, आप लोग देखो और आप लोग भी बताओ ये कलर अच्छा है ये ब्लैक। तो गाइस चलिए अभी घर चलते हैं, और सिंपल सा वीडियो था, तब पर भी आप लोग थोड़ा प्यार दिखा देना, क्योंकि आप लोग का प्यार मुझे ज़रूर चाहिए, और तो कुछ है नहीं। और फिर संडे नाइट के वीडियो भी आएगा बहुत जल्द, तो आप लोग रेडी रहना गाइस। और अभी मेरा घर का पास में आ चुके हैं, और देखते हैं अभी जाते हैं। मम्मी का तो फेवरेट कलर है, और मम्मी को पता नहीं है कि मैं ये कलर ले आऊँ, देखते हो मम्मी क्या रिएक्शन देती है, और पापा भी रहेंगे, देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। और वीडियो कैसा लगा नहीं लगा आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग के लिए ही सब है, और आप लोग का प्यार ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। নতুন গাড়ি চলে এসছে নতুন গাড়ি থেকে নিউ রোডটা থেকে চাও আগে আগে বাবু ওই চালা কি দিবি এই পাপা কা রিঅ্যাকশন দেখো আবি হুম মডিফিকেশন করি নেব সব এটা রাখে তো ঢুকে আছে হুম না নিচু গাড়ি আছে এটা তে পেটের ভুঁড়ির প্রবলেম এই রিঅ্যাকশন দেখো पापा का भी बहुत पसंद हुआ है, क्योंकि पापा बुलेट चलाते थे, और ये देख कर बोले कितना अच्छा डैश मीटर है, कितना अच्छा मीटर है, और डबल साइलेंसर है ये जो है ना, ये तो बुलेट में तो सिंगल आता है, तो इसीलिए बोल रहे थे डबल एग्जॉस्ट है, तो बहुत अच्छा लगा देखकर।